हमारा बच्चा जो है वो खतावार नहीं था, वो ख़ता से पाक था, उसको फंसाया गया था। इस वजह से मैं पूरी उम्मीद था कि इंशाल्लाह हाँ वो ज़रूर वो एक ज़रूर अपने इंसाफ के साथ एक दिन वो बाहर निकल आएगा। बहुत खुशी हुई कि उसको बेल मिल गया, मगर बेल मिलने में भी देरी हो गई। इतना देर नहीं होना चाहिए था और हमको पूरा यकीन था, पर भरोसा भी था कि मेरा बच्चा जल्द से जल्द निकलेगा। और कोर्ट से भी वो पर भी बहुत हम लोग को भरोसा था कि कोर्ट अच्छा ही फैसला सुनाएगा। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे पर जो केस है जल्द से जल्द उसका केस ख़त्म हो जाए, और केस में उसको ज़मानत मिलने में भी बहुत देरी हुई। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे बेटे के खुशी तो है मेरे बेटे को बेल मिल गई, मगर उसके अलावा उसके जितने साथी हैं और जितने बच्चे बच्चियाँ हैं उन लोगों को भी जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। आसिफ तन्हा पिछले साल से वो जेल में था और इस वक्त उसको ज़मानत मिल गई है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। और मैं कोर्ट से पुरुम्मीद भी था कि जायज़ तरीक़े से फ़ैसला होगा, और उसके उस फैसले से मैं खुश हूँ और हमारे अजीज़ व अखरबा भी खुश हैं। इससे कबल बज़ाहिर मैं वहाँ जा नहीं सकता था, मैं यहाँ दूर में हूँ, और लेकिन उसके दोस्त और तहरीक के लोगों ने बहुत ज़्यादा मदद किया, और जिसके नतीजे में आज वो उसको ज़मानत मिल गई है, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। We are truthful, unafraid and independent because of you. Now you can help our reporting from the ground. Go to thequin.com, click Become a Member tab, choose a plan and pay. Because the truth is worth it.